हेलो गाइस, गुड इवनिंग. वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला. आज शॉर्ट हिंदी समरी पढ़ेंगे हम. लेसन द सरमन एट बनारस की क्लास 10th इंग्लिश का ये लेसन है और इसकी लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपलोड कर दी है. उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे जाएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट हिंदी समरी से. सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स जान लेते हैं. मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला पॉइंट देखिए, इंट्रोडक्शन टू गौतम बुद्ध. इसको हमने चार पॉइंट्स में बांटा है. सबसे पहले गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. गौतम बुद्ध कौन थे और इनके जीवन के बारे में जो भी जानकारी इस लेसन में अवेलेबल करवाई गई है वो हम इसमें पढ़ेंगे. दूसरा है हिज सरमन और प्रीचिंग, यानी उनके जो उपदेश थे वो उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे. और तीसरा है उन्होंने जो उपदेशों में अपने सरमन में द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी सुनाई थी, कीसा गौतमी की कहानी सुनाई थी और अपने व्यूज़ जो डेथ के बारे में उन्होंने बताए थे उनका संकलन इस सरमन में किया गया है. तो इसी सरमन को हम पढ़ने वाले हैं. चलिए आगे चलते हैं. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन. ही वॉज बॉर्न इन 563 BC एंड डाइड इन 483 BC. इनका जन्म जो है 563 बिफोर क्राइस्ट हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 बिफोर क्राइस्ट. ही वॉज ए प्रिंस, वो प्रिंस थे एंड हिज नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम और इनका जो नाम था सिद्धार्थ गौतम था प्रिंस के रूप में. ही वॉज हैप्पीली मैरिड, उनकी शादी भी हो चुकी थी अपने उम्र आने पर एंड हैड ए सन और उनके 10 साल का एक लड़का भी था. और ये सब करने से पहले, शादी करने से पहले उन्होंने हिंदू जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी अच्छे से डिटेल स्टडी की थी. एट द एज ऑफ 25, 25 साल की एज में ही एनकाउंटर्ड दोज पीपल, उनका सामना हुआ उन लोगों से हु वर इन सोरो एंड ग्रीफ, जो कि दुख में थे, बड़ी ही ग्रीफ, विषाद और दुख के अंदर थे. तो अब कैसे एनकाउंटर हुआ, एक दिन ये नगर भ्रमण पर निकले, शहर के भ्रमण पर निकले. वहाँ पर इनको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिले. कोई भीख मांग रहा था, कोई जो है डेथ प्रोसेशन, किसी की शव यात्रा निकल रही थी और किसी को उन्होंने बिलखते हुए देखा, भूख के मारे बिलखते हुए देखा. तो ये बहुत व्याकुल हो गए. टिल नाउ ही डिड नॉट नो एनी ग्रीफ एंड सफरिंग, और अब तक इन्हें किसी दुख और पीड़ा का पता नहीं था. इसलिए जब उन्होंने लोगों को इस तरह से व्याकुल देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए. ही वॉज सो सैड, वो इतने दुखी थे एंड डिसाइडेड टू नो द रीज़न ऑफ सोरोज, और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो इन दुखों का कारण जानकर रहेंगे. ही रोम्ड हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ खूब घूमे फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक, पता लगाने के लिए. अलग अलग लोगों की शरण में गए, सभी लोगों से मिले कि आखिर इसका क्या कारण है. एंड एट लास्ट सेट अंडर ए पीपल ट्री, और लास्ट में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. ही वाउड टू स्टे देयर टिल एनलाइटनमेंट केम, उन्होंने कसम खा ली कि वो उस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे जब तक कि उनको नॉलेज नहीं मिल जाती, जब तक कि उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता इन सभी दुखों का मूल कारण क्या है और ये दुख क्या है, क्यों होते हैं. अगर जब तक ये ना मिले तब तक वो उस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे. आफ्टर 7 डेज, लगभग 7 दिनों के बाद एनलाइटनमेंट और नॉलेज केम टू हिम, उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. हिज सरमन और प्रीचिंग, उनके जो उपदेश हैं उन उपदेशों के बारे में लिखा गया है. गौतम बुद्ध वॉज एनलाइटन्ड आफ्टर 7 डेज, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो 7 दिनों के बाद हुई थी. ही रीनेम्ड द ट्री एज बोधी ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधी ट्री रख दिया, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बैठे हुए थे, उन्होंने उस पेड़ का नामकरण कर दिया बोधी ट्री के रूप में. अंडर दैट ट्री ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज, और उसी पेड़ के नीचे वो अपनी नॉलेज को लोगों में शेयर करने लगे, लोगों को पढ़ाने लगे जो कुछ ज्ञान की प्राप्ति होने हुई. ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, और उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस सिटी में दिया था, सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द हॉली रिवर गंगा, जो कि गंगा के किनारे पर स्थित है, पवित्र नदी गंगा के किनारे पर जो शहर स्थित है बनारस जिसे हम बोलते हैं, वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था. हिज फर्स्ट सरमन इज प्रिजर्व्ड, और उनका जो पहला सरमन है, उपदेश है, उसे प्रिजर्व करके रखा गया है. इट इज़ इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में है. द फर्स्ट इज़ द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, जो पहला है वो कीसा गौतमी की कहानी है. एंड द सेकेंड इज़ हिज व्यूज़ अबाउट डेथ, और दूसरा जो पार्ट है उसमें उनके जो व्यूज़ हैं डेथ के बारे में उनको इंक्लूड किया गया है. तो गाइस, क्लास 10th के और जो दूसरे लेसन्स हैं, अगर आपको उनकी भी समरी या फिर लाइन टू लाइन
अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा आई बटन में, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर जाकर आप दूसरे लेसन्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, कीसा गौतमी की कहानी। कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन हु डाइड। तो ये जो प्रसंग है, ये जो कहानी है, ये कहानी किसने सुनाई? ये कहानी गौतम बुद्ध ने ही सुनाई थी। कीसा गौतमी, और किस में सुनाई? ये अपने ही सरमन में, अपने ही उपदेश में सुनाई थी। तो कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन हु डाइड। कीसा गौतमी का केवल मात्र एक बेटा था, वो भी मर गया। गौतमी वेल्ड ए लॉट, वेल्ड का मतलब होता विलाप करना। गौतमी खूब रोई एंड वेंट ऑलमोस्ट टू एवरी वन, और लगभग हर किसी के पास में गई आस्किंग फॉर हेल्प, इस उम्मीद में कि कोई उसकी हेल्प करेगा। शी वॉन्टेड एनी मेडिसिन, उसे क्या चाहिए था? उसे कोई मेडिसिन चाहिए थी विच कुड रिवाइव हर चाइल्ड, जो उसके बच्चे को रिवाइव कर सके। लेकिन सभी लोगों ने उसको पागल सा कहा, उसको कहा पागल है, और कहा कि उसका बच्चा मर चुका है, किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। देन समबडी टोल्ड हर, तब किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे कहा टू गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि बुद्ध के पास में जाने के लिए। अब ये शाक्य मुनि बुद्ध कौन है? यही गौतम बुद्ध है। इन्हें ही शाक्य मुनि बुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। शाक्य मुनि आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए होम विच हैड नॉट सीन एनी वन डाई। तो शाक्य मुनि ने उसे कहा, गौतमी को, कि तुम जाओ और मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज ऐसे घर से लेकर आओ जिसने अभी तक किसी को मरते हुए नहीं देखा है, जिसके घर में किसी रिलेटिव की डेथ नहीं हुई है, किसी अपने की डेथ नहीं हुई है। शी रोम्ड हियर एंड देयर, वो खूब इधर उधर घूमी बट डिड नॉट फाइंड एनी सच होम, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। शी वॉज टायर्ड एंड होपलेस, वो बुरी तरह से थक चुकी थी और बिल्कुल निराश हो गई। इट वॉज इवनिंग, ये शाम का समय था। डार्कनेस हैड प्रिवेल्ड, और जो रात हो रही थी वो रात जो फैलने लगी थी, अंधेरा फैलने लग गया था। सिटी लाइट्स वर ऑन, और उसी समय सिटी की जो लाइट्स थी वो ऑन हो गई। शी रियलाइज्ड, उसी समय उसे एहसास हुआ दैट एज सिटी लाइट केम एंड वेंट, कि जिस तरह से सिटी लाइट अपने टाइम पर जाती हैं और अपने टाइम पर आती हैं, इन द सेम वे लाइफ एंड डेथ आर अनअवॉइडेबल, उसी प्रकार से लाइफ और डेथ भी अपने समय पर आती हैं और उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये कीसा गौतमी को रियलाइज़ हुआ, और यही चीज़ गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि उसे रियलाइज़ करवाना चाहते थे। उसके बाद देखिए, बुद्धाज व्यूज़ अबाउट डेथ, बुद्ध के जो व्यूज़ थे डेथ के बारे में वो क्या थे? अकॉर्डिंग टू बुद्ध, डेथ इज इनएविटेबल एंड अनअवॉइडेबल। ये आपका एक प्रकार से क्वेश्चन भी हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर बुद्ध्स व्यूज अबाउट डेथ, बुद्ध के जो व्यूज थे वो डेथ के बारे में क्या थे। तो बुद्ध के अनुसार डेथ इज इनएविटेबल, डेथ कंपल्सरी है एंड अनअवॉइडेबल, और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मॉर्टल्स आर बाउंड टू डाई, जो लोग जीवित हैं उनको मरना ही पड़ेगा। एज ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव टू डीके, जिस प्रकार से सारी चीज़ें दुनिया की, उनको एक दिन नष्ट हो जाना, डीके का मतलब नष्ट हो जाना है। इन द सेम वे, उसी तरीके से ह्यूमंस हैव टू डाई, इंसानों को भी एक दिन मरना है। फूल्स, चाहे मूर्ख हों, चाहे वाइज हों, लोग बुद्धिमान हों, यंग हों या एडल्ट हों, ऑल हैव टू डाई, सबको मरना है। तो व्हाट इज टू बी डन देन इफ डेथ इज कंपल्सरी, तो क्या करें अगर डेथ कंपल्सरी है? बुद्धा सेज दैट ग्रीविंग एंड वीपिंग विल नॉट डू एनीथिंग, कि दुखी होने से, ग्रीविंग का मतलब दुखी होना और वीपिंग का मतलब रोना, विलाप करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इट विल ग्रो आवर पेन, इससे उल्टा हमारा दर्द बढ़ेगा। आवर बॉडी विल सफर, हमारी बॉडी को नुकसान होगा। इफ़ वी वॉन्ट टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, अगर हमें दिमाग की शांति चाहिए, वी हैव टू लीव दीज कंप्लेंट्स, तो हमें इन सब पीड़ाओं को, हमें इन सब शिकायतों को और इन सब विलापों को, रोने धोने को रोकना होगा। वी हैव टू रिमेन कूल, हमें कूल रहना है, काम शांत रहना है, ठंडा रहना है, शांत रहना है, और कंपोज्ड अपने आप को अरेंज करके रखना है, अपने आप को संयमित रखना है। दैट विल गिव अस पीस ऑफ माइंड, और इसी से हमें पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति मिलेगी। ऐसा बुद्ध ने डेथ के व्यूज, अब डेथ के बारे में अपने व्यूज बताए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। ध्यान रखिए, चैनल का नाम है DK इंग्लिश पाठशाला। थैंक यू।